नाजरीन आदाब इस्तबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आन मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान दोस्तों आज की ये ख़ास पेशकश आप सभी लोगों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि एक कंज्यूमर होने के नाते जो हकूक़ आपको हासिल हैं आज हम उनसे आपको वाकिफ करवाएंगे और ये जानेंगे कि बादशाह कहा जाने वाला एक कंज्यूमर ये ग्राहक ये सार्फ़ जब अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करता है या उसे कोई चीज खरीदने या कोई खिदमत हासिल करने के बाद यह अंदाजा होता है कि खरीदी गई चीज में कोई नुक्स है या उसे वो सर्विस नहीं दी गई जिसका उससे वादा किया गया था तो ऐसे में वो क्या करे कहाँ जाए दोस्तों आप और हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर का एक ग्राहक का किरदार निभा रहे होते हैं और एक कंज्यूमर होने के नाते आपको अपने इस्तेमाल में लाने वाली हर चीज़ और सर्विस के बारे में उसकी क्वालिटी उसकी मकदार उसकी कीमत सब कुछ जानने का हक़ हासिल है और कंज्यूमर के इन्हीं हकूक़ के तहफ़ के लिए भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था इसमें अब तक काफी तब्दीलियाँ भी की जा चुकी हैं तो क्या है ये कानून इसमें क्या कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं इसके तहत आपको क्या इख्तियार हासिल है और क्या कुछ आप इसके तहत कर सकते हैं ये जानने के लिए और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ तो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के मरूफ वकील जनाब एस डी सिंह साहब जो हमारे खास मेहमान हैं हमारे खास मेहमान एसडी सिंह साहब आपका बहुत बहुत इस्तेफाल है हमारी आज की इस खास पेशकश में बड़ी शुक्रिया साहब आपका आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मौका दिया कि हम आपसे इस विषय पर चर्चा करें जो हमारे सिटीजन्स से जुड़ा हुआ है बिल्कुल आपने कहा कि ये उपभोक्ता ही है हमारे सिटीजन सिटीजन्स सिटीजनसी उपभोक्ता है जी। तो इसलिए उनसे जुड़ा हुआ है तो उस पर आपके मेहरबानी से उनके पास कुछ बातें पहुँचेंगी और कुछ हम लोग चर्चा करेंगे ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपने कहा कि इस पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि तमाम जो हमारे सारिफ़ हैं जो इस वक्त देख रहे हैं जितने भी व्यूवर्स हैं वो कहीं ना कहीं खरीदार भी हैं एब्सोल्युटली करेक्ट इसलिए हम चाहते हैं कि पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि ये कंज्यूमर राइट्स जिनको हम कहते हैं सार्फिन के हकूक ये क्या हैं और हमारे देश में हमारे मुल्क में इसकी कब जरूरत महसूस की गई कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और कंज्यूमर को बादशाह बरकरार रखा जाए देखिए डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है प्रजातंत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण अंक है कि आपको कुछ अधिकार दिया जाए अब आप 1986 में कानून बना उसके पहले अगर आप देखें तो आपके जो अधिकार थे कंज्यूमर एज कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब आपने सामान खरीदा किसी भी फार्म में खरीदा आपने और उस उस सामान में आपको जो कहा गया था वो नहीं मिला जी। या तो सर्विसेज का हो या तो ऐसा सामान हो जिसमें डिफेक्ट आ गया हो किसी भी तरीके का हो मैं उसको बाद में जरा एलोबरेट करूंगा आपके साथ मिल करके अगर उसमें कमी आती है वो परफॉर्म नहीं करता है जो कहा गया था वो नहीं मिलता है तो आप क्या करें इस समझ से जाता ना कि हमारे कानून में क्या उसका प्रावधान है तो आप पहले ये समझें सर कि पहले तो हमें आज़ादी के पहले की बात छोड़ दीजिए आज़ादी के बाद भी हमें बहुत समझना पड़ा क्योंकि देखिए 1947 से लेकर के एट नाइनटीन तक बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं आया कोई कानून नहीं बना था ठीक है यानी इस, इस 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 दौरान कोई कानून नहीं था इस तरीके कोई कानून नहीं था केवल कॉमन लॉ सिविल लॉ से गवर्न होता था कामन लॉ सिविल लॉ का मतलब ये हो गया कि सिविल कोर्ट में जो हमारे जुडिशरी का सिस्टम बना जी लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर के उसके लोअर कोर्ट में एज पर सेक्शन नाइन ऑफ द सी आप कोई भी सूट जिसको बोलते हैं दावा बोलते हैं जिसको अगर कह कहते आप हिंदी में आप दाखिल कर सकते हैं किसी भी तरीके के ग्रीबान से उसमें आपका इसके, इस पर भी होता है कंज्यूबर का, का भी था फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको अगर आपने ट्रैक्टर खरीदा है किसान है किसान है किसान ने एक ट्रैक्टर खरीदा अपना और ट्रैक्टर में उन्होंने वारंटी दिया दो साल का एक साल का जो भी एज पर दें उस वारंटी के पीरियड में भी ट्रैक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है उस उसमें तमाम कमियां आती हैं आप बार बार ले जाते हैं डीलर के पास पे उसको करते हैं ठीक नहीं होता था फिर कहाँ जाएंगे आप क्या करेंगे आप अपने डीलर के पास जाएंगे वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा दिखाएगा करेगा नहीं करेंगे कुछ अच्छे है, कर दिए ठीक ठाक कर दिए वो भी अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि हमने बेच दिया पैसा ले लिया अब इसमें कितना हम पैसा इन्वेस्ट करें इसमें हम घाटे में जाएंगे ऐसा होता रहा तो उसके लिए कहाँ जाते हो तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट ही था जी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था इट इज अ काइंड ऑफ कंट्रैक्ट तो एक कंट्रैक्ट एक्ट का पार्ट रहा तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अभी एबोलिश उसमें से निकाल करके अलग सेल्स ऑफ गुड्स बन गया जो अभी भी लागू है जी तो उसके उसमें हम कहते थे कि हमारा इनका प्रिविटी है कॉन्ट्रैक्ट है इन्होंने मुझे सामान बेचा है जी। तो उसको लेकर के हम सेक्शन नाइन में सिविल कोर्ट में दावा पेश करते थे उन्नीस सौ से पहले ये तमाम चीजें जो थी वो सिविल कोर्ट के अंदर जाती थी जाती थी तो ये महसूस किया गया कि भाई कंज्यूमर एक छोटे से लेकर बड़े कंज्यूमर तक है आप देख लिये सभी आप सभी कंज्यूमर है मैंने छोटी सी चीज लेकर के बड़े चीज तक तो एक छोटा कंज्यूमर बड़ा कंज्यूमर आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई पर पर डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है आपको प्रूव करना है हाँ, फ्रॉड कहते हो ये कहते हो उसको आपको प्रूव करना होगा करने के लिए सिविल कोर्ट जाइए आप उसको अफोर्ड भी कर सकते है। आप तो हैं आप तो देख ही रहे क्या सिस्टम है हाँ, हाँ। लेकिन जो छोटा लेकिन वाले और राशन खरीदने वाले करेक्ट जी छोटा छोटा कंज्यूमर वो कहाँ पर जाए छोटा कंज्यूमर किस तरीके से कहाँ पर लाइक like, देखिए इसके अलावा भी ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में शायद आदमी बहुत कम कोर्ट कचहरी में जाता है या कंज्यूमर फोरम में जाए वो तो बोलता यार मिल गया ना नहीं चल रहा अगली बार इसका नहीं खरीदेंगे जो दो चार दिन में खत्म हो जाता है उस पर लोग ध्यान नहीं देते लेकिन जो चीज़ ऐसे ही खरीदे हैं आप जो कि टी वी खरीद लिया आपने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया जो घर में यूज होती है तो आप घर से निकल करके बाहर जाएंगे तो तमाम और चीजें आएंगी आपने गाड़ी खरीद लिया आपने घोड़ा कुछ भी खरीद काफ़रीद आजकल मोबाइल की मोबाइल की खरीद सब कुछ तो आप जब खरीदते हैं तो उसके पहले अगर आपको कोई तकलीफ दिखती थी तो आप सिविल कोर्ट में ही जाते थे लेकिन फिर इसको महसूस किया गया कि एक कंज्यूमर फोरम बनना चाहिए जो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो जी बेसिक बात है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड इन द सेंस कि कंज्यूमर को किसी तरीके से हेल्प कर सके कि ज्यादा कानून के दाव पेज में न रह करके एक सिंपल तरीके से अपनी बात कह सके और कह करके अपनी ग्रीवास लॉन्च कर सके और एक फोरम हो वो फोरम उसको एडजुडिकेट करे देखे समझे सुने उनको भी बुलाए और एक ऐसे तरीके से आर्डर पास करें कि अगर मिलता है कि उसमें गलती है तो उसको रिमूव करो उसको ऐसी बात ऐसा महसूस हुआ सर यानी जो कानून का मरहला था और जो लीगल एक प्रोसेस था उसको आसान करने की कोशिश की एकदम उसके तहत एकदम एकदम और जरूरी भी था वो जरूरी था हाँ इसलिए नाइनटीन में एक्ट आया और नाइनटीन में एक्ट आने के बाद में उन्होंने जैसा अभी भी जानते हैं कि तीन फोरम बनाया एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नेचुरली आप डिस्ट्रिक्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं जी जी वहाँ पर बनाया बनायाल कमीशन जी। उसके बाद स्टेट लेवल पर जी उन्होंने स्टेट कमीशन जिसको में कहते राज्ये के, के। उसके बाद फिर आपको उन्होंने नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन की बात कही जी जो मरकजी एक करेक्ट वहां पर आकर के इस तरीके की बात कहा कि भाई उन्होंने अब कौन कहा जाएगा ये भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उन्होंने फिक्सअप कर दिया कि भाई अगर आपके मामला बीस लाख तक का है अगर आपके मामले में बीस लाख तक की बात है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाइए उससे ऊपर उठ करके बीस लाख से एक करोड़ तक की बात है तो आप स्टेट कमीशन में जाइए एट्टी नाइनटीन एट्टी की बात कर रहा हूँ मैं फिर उसके बाद एक करोड़ से ऊपर की बात है तो आप नेशनल कमीशन में जाए ठीक है वो उसका कोई अंत नहीं है कितने भी कीमत का हो तो नेशनल कमीशन उसमें क्योंकि बड़े हर जगह पर एक्सपीरियंस लोगों को ही लगाया है आप देख ले जो डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ई डी जे रैंक के डिस्ट्रिक हायर जुडिशरी के जो मेंबर्स होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट उन सबको वहाँ पर लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि जो प्रक्रिया है वो उससे वाकिफ़ है वो जानते हैं कि किस तरीके से हमें कानून के दायरे में रह करके और इस प्रोविजन के दायरे में रह कर के आप उनकी मदद कर सकते हैं और करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज एंड फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी लेते हैं उसमें उसमें शामिल किया करेक्ट जैसे आप आ, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं आपका ऐसा रुझान रहा है कि आप हमेशा अपने जीवन में लोगों को ग्राहकों को और लोगों को उपभोक्ताओं के प्रति काम करते रहे उदारता करते रहे और आप स्किल्ड है आपको पता है कि, कि किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में आप एक्सपर्टाइज रखते हैं सोशल वर्कर्स हैं लोगों को समझते देखिए उनका भी बहुत एक अहम भूमिका है समाज के अंदर तो उनको भी वहाँ पर लेते थे अब ऐसे ही स्टेट कमीशन में स्टेट कमीशन में ज़्यादातर उसका चेयरमैन आ, हाई कोर्ट लेवल के हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं वो जो रिटायरमेंट के बाद में उनको वहाँ पर एज ए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की जाती है लेकिन एक सवाल यहाँ मैं एक ज़रूर समझना चाहूँगा कि आखिर क्या ख़ास बात थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो इसकी ज़रूरत महसूस करते हुए उन्नीस में इसको लाया गया तो इसके अंदर वो क्या ख़ास बातें थीं जो कंज्यूमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जो ग्राहक के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण करेक्ट देखिए देखिए सर दो बात ध्यान में रखें कंज्यूमर का मतलब वैरायटी ऑफ द पीपल कंज्यूमर बहुत पढ़ा लिखा भी हो सकता है कंज्यूमर बहुत इलिटरेट भी हो सकता है ऐसी स्थिति में कंज्यूमर को एक साधारण सुविधाजनक एक व्यवस्था उनको दिया जाए जितनी आसान हो सके हाँ जितनी आसान जितनी हो सके सुविधाजनक बिल्कुल ऐसे कि अगर वो उन जो कानून की प्रक्रियाएं हैं कि आप ये चीज़ लिखें आप उसमें न लिखें ये चीज़ आपने क्यों नहीं लिखा ऐसे कैसे नहीं किया आपने इसमें इस, इस जगह पर आपने एफिडेविट नहीं लगाया या उस पर आपने वेरिफिकेशन नहीं दिया इसका भी उसमें देखा गया कि नहीं भाई इस तरीके की चीज़ को आ, आ, आसान करो और कोई भी आदमी जाकर के वहाँ पर फाइल कर सकता है दूसरी चीज़ एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में भी पावर दिया गया जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जी जो कंज्यूमर के लिए काम करता हो उस क्षेत्र में काम करता हो दूसरी जगह काम करता हो जो कि वो देखता हो कि किस तरीके से लोगों को आ, आ, वो असिस्ट कर सकता है उनको भी अथॉरिटी दी गई कि आप कंज्यूमर जो काम करते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं कंज्यूमर के लिए काम करते हैं उनको भी आप एथराइज कर सकते हैं आप देखे होंगे इसी तरीके से आप जब लेबर्स की जब दिक्कत होती है तो लेबर एक्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वहाँ पर भी आपको यूनियन के लोगों को ऐथराइज कर देते हैं क्योंकि लेबर भी बहुत अच्छा जानकार नहीं होता है। जानकार नहीं कानून की पेचदगी नहीं समझता है उसके लिए पैसा नहीं है वो लड़ नहीं सकता कुछ कर नहीं सकता इसलिए गवर्नमेंट ने और बाद में इसको करके यूनियन बनाने की बात की लेबर्स यूनियन बनाया एम्प्लाइज यूनियन बनाया जिसके लिए उनका ठीक है एक अलग विषय है सर कि कौन कितना काम करता है इम्प्लीमेंटेशन ठीक होता है कि नहीं होता एक अलग इशू है वो एक अलग इशू है एक अलग डिफिकल्टी भी है हमारे देश में वो एक अलग बात की लेकिन यहाँ हम उसकी बात तो करते उसी करते तरीके से यहाँ पर बनाया गया कि आप जा करके उसको करें और जिससे उनको एक तो जल्दी निस्तारण की भी बात होती है कि भाई ऐसा आपको एफिडेविट जैसे क्रास करने का जी आपका सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आप आपको अब आप, आप, आप तो एफिडेविट लेते हैं पहले एफिडेविट तो नहीं लेते थे लेते, दो हजार दो में आया वो बात लेकिन ये तो सर जैसे जाने के बाद की बात हुई अगर हम उस एक्ट के जरिए जाने के पॉइंट्स वाइज अगर हम जाने के कार हैं तो वो भी मैं चाहूंगा कि हमारे नाजरीन तक वो बात पहुंचे एकदम आपके क्या क्या हकूक हैं एक सारिफ के तौर पर जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानने और आपको ताकतवर बनाते हैं वो हकूक देखिए आप एज ए कंज्यूमर कंज्यूमर का डिफिनेशन दिया गया है कंज्यूमर किसको कहते हैं कंज्यूमर इसको कहते हैं जो आदमी पैसा दे करके किसी भी चीज़ को खरीदता है या किसी सर्विसेज को हायर कर हायर करता है, हायर करते है। ऐसे में कंज्यूमर होता है एंड एक एक्सेप्शन था कि आप कमर्शियल को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड के नज़र नहीं ले आएंगे लेकिन उसको अभी 2019 2019 के एक्ट में कर दिया उसकी चर्चा हम लोग करते हैं उसमें उन्होंने कोर्ट ने कहा कि अगर आप कॉमर्शियल फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ड्राइवर है ड्राइवर अपनी जो गाड़ी खरीदेगा तो अपने चढ़ने के लिए तो नहीं खरीदेगा ड्राइवर गाड़ी खरीदेगा तो उसे कमाएगा कमाने के वो अपना ले उसको आउट करेगा हायर पे करेगा ले जाएगा सवारी ले, ले, ले जाएगा तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया उसी लेकिन वो कमर्शियल पर्पज अपने को खाने पीने के लिए इन द सेंस सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आपका लाइवलीहुड है अगर आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उससे उससे तो कॉमर्शियल नेचर होते हुए भी कंज्यूमर में आएगा ठीक है अगर कोई कहे कि भाई आपने ऑटो रिक्शा खरीद दिया जी ऑटो रिक्शा एक तो टोटल कॉमर्शियल आप तो पब्लिक को ढोने के लिए बात कर रहे हैं आप कैसे यू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर तो ऐसा नहीं है क्योंकि ऑटो रिक्शा से आदमी जो करता है वो आदमी अपना लाइवलीहुड कमाता है रोज रोज कमा करके अपना अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है इसलिए उसको भी अब उसको भी इसमें रखा गया रखा है कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हैं लेकिन अगर एक कोई शख्स जा रहा है चाहे वो ऑटो खरीदने जा रहा हो कार खरीदने जा रहा हो या अपने लिए टी रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहा हो उसे क्या चीज़ें दिमाग में रखनी उसके लिए पॉइंट्स बहुत जरूरी है ये वो क्या समझे कि मेरा अधिकार है जब वो कहीं ख़रीदने के लिए कुछ जाए तो वो इस चीज़ को जान करके जाए कि ये जो हमने एक प्रोग्राम देखा और वकील साहब से सुना कि ये मेरे राइट्स हैं तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या उसके राइट्स हैं किसी भी सामान को ख़रीदने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने जिस इस प्रोग्राम को जिस ऑब्जेक्ट से रखा हुआ इसमें बहुत अहम कड़ी है जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही अहम कड़ी है देखिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए जब हम जाते हैं आज का युग बड़ा एडवर्टाइज़मेंट का युग है पब्लिकेशन का युग है तो सबसे पहले अगर आप उस पोजीशन में हैं कि आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं तो आप तो सबसे पहले उसका जितना भी उन्होंने प्रोमिसस दिए हैं आपको कि भाई हमारे में ए है ए इसका मे के है इसमें इतनी सुविधाएं हैं इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं आप तो पहले उनको इंश्योर करें कि भाई जो उन्होंने कहा है कहा है और वो एडवर्टीजमेंट किया Correct. है उसका हाँ जिसका इश्तेहार दिया है वो चीज़ें उसमें उसमें होनी चाहिए आपको होनी चाहिए उनके वो किसी चाहे टेलीविजन हो चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो कुछ भी हो आप रोजमर्रा जो भी आप एक आयरन को भी ले लो उसका भी है तो भाई अब वो कहते हैं ऑटोमेटिक आयरन है उसका तो उसका क्या होता है तो आप उसको देख करके वहाँ पर उनसे आप करवा सकते हैं कि आप उसको मुझे दिखाइए बताइए कि आपका यही ऐसा है दूसरी चीज सर आप उसके रिलेवेंट पेपर जरूर ले ये आप ध्यान में रखें रिलेवेंट पेपर लेने की बातें होती है बिल जरूर ले क्योंकि देखिए बिल का उन्होंने तो लेंगे आप, आप लेंगे लेना लेना, ले जी अगर जीएसटी लेंगे तो उनको पेपर देना उनका फर्ज बनता है पेपर में सबसे पहले देखे कौन सा मेक आपने लिया है उस मेक का उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि हमारा ये मेक है इसके फीचर्स हैं इसकी है उसके बाद आपको रसीद दे कि आपको पैसा मिल गया है इतना पैसा आपने चेक से मिला या कैश मिला किस तरीके से मिला उसका लिख के दें थर्डली आप उसको इस बात का देखें कि जो इन्होंने लिखा हुआ है उसी की डिलीवरी भी हो रही है समटाइम इट है वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे डीलर सारे बेचने वाले ऐसे लेकिन जहाँ जब होता है तो जब, ये बात भी होती बात भी होती, है, होती कि है अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो क्या तो करें? क्या करेंगे तो आप डिलीवरी निश्चित करें कि आपको वही डिलीवरी हुई है कि जो आपको मिला है जा करके और उसके बाद उन्होंने अगर कहा है कि आप उसको इंस्टॉल करवाएंगे तो उनके देख रेख में उसको इंस्टॉल भी करवाएं अगर इस तरीके का मैकेनिकल कोई आइटम हाँ, है तो अगर ऑटोमेटिक कोई पार्ट करेक्ट उससे उसका फ़र्क पड़ता है कि बाद में वो सोचने लगते हैं कि आपने तो जी इसको ठीक से हैंडल नहीं किया ये ख़राब हो गया और साथ में अगर किसी चीज़ का वारंटी है तो वारंटी कार्ड जरूर लें और उसका अच्छे तरीके से देख लें कि कहीं वो वैसे ही दे करके नहीं दिया है और जो डीलर है वो एथराइज डीलर है जो इस काम को करने वाला है ये करता है तो आप ये चीज़ उसको देख लिए सर ये तो आपकी सावधानियां हो गई पहले शुरू में करने के लिए और एक चीज़ और है आप कैसे नियंत्रण करेंगे अपने कंट्रोल कैसे करेंगे आ, प्राइस पे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी क्योंकि आपको प्राइस आप, आप 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 समझ लो आप नहीं समझते बहुत ज़्यादा हमारे जैसा कोई आदमी गया नहीं बहुत उसको पता है कि भाई किस तरीके से लेना क्या लेना है नहीं समझ पाता कि हमें क्या करना है तो आप उसका प्राइस ज़रूर देखें प्राइस आप ज़रूर कंपेयर करें लोगों से दूसरों में कि भाई इसमें है कि नहीं जो उसका प्राइस जो लिख के दे रहा है जितना आपने पैसा दिया उतना पैसा उसमें लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है ये कंपैरिजन करना और ये देखना कि किसकी कीमत ज़्यादा है किसकी कम है ये भी तो एक अधिकार है एक ग्राहक का एकदम अधिकार है देखिए देखिए ग्राहक का ये पूरा अधिकार है कि ग्राहक के बात को अच्छी तरह समझ ले कि इसकी कीमत बाज़ार में कितनी है अगर एक सस्ता दे रहा तो क्यों दे रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और महंगा दे रहा तो क्यों दे रहा है अगर वही फीचर का मांगा नहीं तो इसके ऊपर आप फिर कंप्लेट कर सकते हैं आप उसके लिए भी काउंसिल बनाया मैं उस पर आऊँगा बताऊँगा अच्छा और साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप उस डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन ना जा करके अभी 2019 में जो काउंसिल बनाया हुआ है और एक बहुत इफेक्टिव काउंसिल बनाया उन्होंने अभी नाइन्थ अगस्त 2019 से लागू हो गया उसमें उन्होंने तीन काउंसिल बनाई है सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरीके से और जिसमें मिनिस्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी रखे हुए हैं पूरा मैनेजमेंट और मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है उनका होता है कि वो उस पर कंट्रोल करें अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता है अज्यूमिंग सर कि आप खरीदना चाहते हैं और उसमें वेरिएशन बहुत आता है कि भाई यहाँ पर इतने का मिल रहा है वहाँ पर इतने का मिल रहा है आज के लिए, लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप यहाँ तक कि अगर आप चेक भी करते हैं उसको तो आपको उसकी कीमत में वेरिएशन नज़र आता है फर्क नज़र आता है तो उस, उसकी शिकायत आप वहाँ पर कर सकते हैं कि ऐसा कैसे वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है कहाँ करेंगे इसके लिए काउंसिल बनाया उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये दो में बना है उसका हर लेवल पर मैंने बताया कि मिनिस्टर सेंटर में जो कंज्यूमर के मिनिस्टर हैं प्लस उन्होंने मैनेजमेंट पूरा रख रखा कि उतने ही आदमी या उससे ज़्यादा आदमी करके कमेटी होती है और कमेटी को पूरा करने के लिए उनका काम ही है कि वो इस तरीके से वो देखते रहें कि जो पूरे उसमें जो कंज्यूमर्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कायदे से उसका पब्लिकेशन हो रहा है एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहे इसी तरीके से स्टेट कमीशन में स्टेट लेवल पर है वहाँ पर स्टेट के जो मिनिस्टर होंगे वो उसके हेड होंगे चेयरमैन होंगे और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा उसका चेयरमैन बिथो तो टू थ्री परसेंट क्या कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये उन्नीस के मुकाबले में 2019 के अंदर जो तरामीम की गई उसके तहत और मजबूत किए गए इन तीनों विंग्स को देखा जाए तो तीन चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं उसमें एक तो मजबूत सर्टनली किया गया और एक जो देखिए समय के साथ में हमें पता चलता है कि हमें और क्या नीड है ये हमेशा होता है ये हमेशा होता हाँ, है, हर, दौर के अंदर। हर हर दौर के अंदर होता है कि समय के अंदर में नीड पता चलती है और आपका अप्रोच भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपका मतलब पार्लियामेंट का गवर्नमेंट का गवर्नमेंट क्या सोचती है गवर्नमेंट अगर सोचती है कि हमें आ, किस पक्ष को ज्यादा मिलना चाहिए उसके हिसाब से कानून देखते हैं कि हमारा इस तरीके से यहाँ पर इसको मजबूत करना चाहिए तो उन्होंने ये फील हुआ कि भाई देखिए आपको खरीदना और खरीदने के बाद कोर्ट में जाना एक अलग इशू हो गया जी। लेकिन उसके पहले काउंसिल को लाना एक क्या, क्या जरूरत थी क्यों किया काउंसिल को लाना जी ये अहम एक, एक, एक 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 सवाल अहम हाँ है। सवाल है तो इसलिए उन्होंने काउंसिल को लाया कि काउंसिल कंज्यूमर के राइट्स और जो एडवांटेज है उसकी प्रोटेक्शन बिफोर मुकदमेबाजी की कर ले बग़ैर मुकदमेबाजी के ये तमाम मसला हल हो करेक्ट क्योंकि अपने लेवल पर अपने लेवल पर अपने अधिकार को यूज करते हुए अपने खुद विवेक से कि क्या ये जो स्टेप ले रहे हैं या जो ये कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो कह रहे हैं ये सब ठीक है या ठीक नहीं है जी इसके लेवल पे तो बहुत एक बहुत हद तक लोगों में जो बेचने वाले हैं जो करने वाले हैं वो इस सतर्क हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि नहीं हमें कंज्यूमर को अगर हमने धोखा दिया कंज्यूमर को हम कोई बात कहे तो कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि बिना खरीदे अगर उसने शिकायत नहीं कर, कर दी मेरी तो हमारे हम तो वहाँ पर जा के फंस जाएंगे और हमारी सारी इंक्वायरी खत्म शुरू हो जाएगी उसमें तो एक अच्छा कदम आया दो में लेकिन एक कंज्यूमर कैसे जाएगा क्या वो डायरेक्ट अगर उसके साथ उसको लगता है कि कहीं हाँ मेरे साथ जो है जो चीज़ मुझे बेची गई है उसमें है या जो सर्विस दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई और भी कई सारी बातें हो सकती हैं तो वो फॉरम में कैसे जाएगा कोई हेल्पलाइन नंबर होगा उसके तहत या वेबसाइट के थ्रू कंप्लेंट करेगा या डायरेक्ट फॉरम में जाएगा देखिए आफ्टर परचेजिंग जो कंट्रोल होता है अगर आपको कोई शिकायत है उसको उसके निस्तारण के लिए उसके निवारण के लिए आपको तो केवल आ, ये जो कमीशंस बने हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम वहाँ पर जाना होगा यस आप अगर अपना कंप्लेंट कहीं और भी दे सकते हैं वो एक अलग इशू है लेकिन अगर एडुटिकेशन करना है उसका निस्तारण करना है तो उसके लिए जो मैकेनिज्म बना है वहाँ जाना होगा उसी के आप में उसमें देखिए दो बातें हैं आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारे पेपर्स हैं आप जब तक आप पेपर्स नहीं होगा क्योंकि पेपर्स के आधार पे ही पता चलता है क्योंकि किसी कोई तो फोटोग्राफ करके रखा नहीं है उसका कोई महत्व तो नहीं है जब तक पेपर्स नहीं होंगे आपके मजबूत आप कहीं जा नहीं सकते कहीं भी जाते तो अगर आप... किसी शख्स ने अगर कुछ पेपर नहीं लिया बिल नहीं लिया किसी सामान का और उसके बाद उसको लगता है कि इस चीज़ के अंदर कोई खराबी है तो क्या वो फिर कुछ नहीं कर सकता फॉरम में जा करके नहीं कंप्लेट नहीं देखिए दो बातें जरूर है अगर आपने कनेक्ट नहीं कोई सामान घर में आता है अगर वो नया है तो जरूर उसका कुछ न कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा चाहे छोटा सा डॉक्यूमेंट क्यों ना हो उस समय ये जरूरी हो जाता है खरीदने वाला कैसा है खरीदने वाला पढ़ा लिखा आदमी है या अनपढ़ है या गरीब है या अमीर है अगर पढ़ा लिखा आदमी है अगर उसने गलती किए तो छब नहीं है तब तो वो पूछेंगे भाई देखिए वी आर हेल्पलेस आपको तो पता अब हम जाएँ और कि हमने बिल नहीं लिया सर तो कौन मानेगा इस बात को आप जाते हैं मार्केट में अगर बिल नहीं लेते हैं तो कौन मानेगा इस बात को बोलेगा साहब आप तो इतने दूरदर्शन में हैं आप सब समझते हैं दूसरों का दिलवाते हैं सुरक्षा करते हैं आप कैसे ऐसे रह गए तो बेसिक चीज़ें हम हाँ आपने लिया आपका खो गया जी ये भी एक समस्या हो सकती है कि आपके पास खो गया तो आप उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमने इतने इतने उसमें करके दिया था उन्होंने खो गया इनके पास काँपी है देन ओनर्स उसके ऊपर होगा कि भाई वो आकर के बताए इस बात को कि आपने किस तरीके से आ, इनको बेचा था कहां पर बेचा था अगर कागज नहीं है तो कागज क्यों नहीं है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है अच्छा अगर ये, आपने फैक्टर है क्योंकि, क्योंकि एक ही कॉपी तो होगा नहीं हो। जी आपके पास कापी होगी देन यू हैव टू प्रोड्यूस वाई देर इज नो पेपर तो ये भी एक आदमी को जानने की जरूरत है लेकिन इसको हमें सेकेंडरी रखना चाहिए फर्स्टली तो हमें अपने कागज को मजबूत रखना चाहिए जी एक करके ये ध्यान में रखने की यानी जो भी सामान खरीदें कोशिश यही करें कि उसके कागज आप पूरे लें उसका हाँ, बिल वगैरह जो है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में लें और उसको समझ भी लें कि जो बिल आपको दिया गया है वही चीज आपके पास दूसरी चीज अगर आप पेमेंट चेक से करते हैं

ये देखा जाए तो जो पेमेंट करता है ना उसका सबसे बड़ा हथियार है आप न जाने कितने लोगों को आप पकड़ सकते हैं कह सकते हैं आ, कि भली हमने आपको पैसा दिया हुआ था डिजिटल से भेज दिया आप किसी को कैश भेज दे वो कर सकता है हाँ वो कर सकता है ना, ना।, ना। कोई आपके किसी के कि सामने दिया नहीं दिया वो आकर बोल सकता है हाँ नहीं आपको बहुत जो ओनर्स होता है आपके ऊपर उसको साबित करने के लिए बड़ा भारी होता है उसको करने में आपको तकलीफ लेकिन अगर आप डिजिटल दिया तो एक फैक्ट आपका बहुत मजबूत है फिर उसको कहना है कि भैया हमने किस लिए लिया पैसा किस लिए लिया है बहुत हम उसके रिश्तेदार तो है नहीं जी कि भाई हम चैरिटी दिया और कोई चीज गर, तो हो नहीं जैसे खैरात में जिसको बोलते हैं कोई काम करने के हाँ लिए वो भी नहीं वो तो भी नहीं है तो हमने कुछ किया नहीं ए, ए, ए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है सर कि हमें किस तरीके से हमें मिलना चाहिए हमें पेपर बराबर हो पेपर होने के बाद में एक चीज और भी ध्यान में रखना कुछ चीजें हैं जो सर्विस की होती है हमारे कंज्यूमर से ध्यान में रखें कि जैसे कुछ चीज़ें हमने खरीद लिया ना तो उसको खरीद करके ला करके पटकना नहीं है अच्छा। उसके कर, जैसे मोटर मोटर बहकेले है आपके आप पर्सनल यूज के लिए अपने गाड़ी खरीदी कोई भी गाड़ी खरीद लिया आपने तो गाड़ी खरीद लिया तो उन्होंने एक आपको सर्विस बुक दिया है उस सर्विस बुक में लिखा हुआ है कि आपको कब कब सर्विस होनी चाहिए जी तो आप उसको फॉलो जरूर करेंगे और उसको कराते समय आप ये ध्यान में रखेंगे कि आप कहीं भी नहीं करा सकते जी क्योंकि आप एथराइज वहाँ पर जा कर के करेंगे आप एथराइज जब जा कर के करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके गाड़ी में जो बना हुआ है जो उसमें गलतियाँ हैं क्या क्या हैं जी क्या और दो दो चीज़ और ध्यान में मैं कहूँगा सर रखने के लिए बहुत से लोगों हमने देखा नहीं हो पाता है जैसे आप गाड़ी ले गए सर्विसिंग के लिए हाँ गाड़ी आपने खड़ी कर दिया वो आकर के एक पर्चा निकाला हर जगह मार्क कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव उसमें टच लगा हुआ है ये लगा हुआ वैसा लगा हुआ है और जो मेन बात आपकी गाड़ी जो है मान लो गर्म हो जाती है जी गाड़ी चलते चलते ठीक से परफॉर्मेंस नहीं देती है कुछ दूर जाने के बाद हो सकता है कभी हो जाए या ब्रेक उसको नहीं लगता है कोई भी चीज ऐसा होता है कि जो कम होता है उसकी बात जरूर आप उसमें करवाएं लिखवाएं उससे साबित होगा कि भाई अब इस समय जब आप लेके गए थे गाड़ी करने के लिए तो इस गाड़ी में एक डिस्टर्बेंस था उससे दो चीजें रिलेट होती हैं कि एक केवल मिसलेनियस है और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ठीक है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो वेरी में हो सकता है 100 हो सकता है है ठीक आज के जमाने में manufacturing defect कम होते हैं लेकिन बहुत से देखे गए हैं होने की संभावना तो हमेशा है। हमेशा है जी बहुत से में देखे गए हैं कि जो भी व्हीकल देते हो पूरा परफॉर्म नहीं करती है चाहे वो परसेंटेज कम क्यों ना हो लेकिन ऐसा होता जरूर है तो तो, ऐसी अगर आपने लिख दिया फोरम तो वही होगा वैल्यू के ऊपर है अभी तो अभी तो सर आ, यहां तक जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसको बहुत बड़ा पावर दे दिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम को भी एक करोड़ से ज्यादा का अधिकार मिल मिल गया गया अभी तो तो इतना इतना उनको। इतना उनको अधिकार तो नाजरीन ये जो कंज्यूमर राइट्स की आज बात हो रही है और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि आप हम कहीं ना कहीं ग्राहक हैं सारिफ हैं और ये हमसे जुड़ा हुआ टॉपिक है इसके ऊपर बहुत सारी बातें अभी हो गई हैं और बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी भी हैं टाइम कम है तो इस वजह से जो बातें आज हुई वो ज़रूर आपने उनसे कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा और इसी प्रोग्राम के तहत हम अगली किस्त में इसी टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तु करेंगे डॉक्टर साहब के साथ और जानेंगे और भी कंज्यूमर राइट्स से जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं उनको और आपके इख्तियारत को मजीद समझने की कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमें अभी यहीं दे दीजिए इजाज़त खुदा हाफ़